कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का शिमला दौरा विवादों से भरा रहा। एक और जहां पास न मिलने से युवा कांग्रेस नाराज दिखे, तो वहीं पुलिस महिला कांस्टेबल से उलझी ढोलाजी की विधायक आशा कुमारी को चांटा तक खाना पड़ गया। हुआ यूं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की शिमला आने के दौरान पार्टी मुख्यालय में पुलिसकर्मी कांग्रेस नेता आशा कुमारी से भिड़ गई। राहुल गांधी की पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद जब अन्य पार्टी नेता दफ्तर जाने लगे तो गेट पर उन्हें पुलिस कर्मियों ने रोक लिया। बताया जा रहा है कि विधायक व पूर्व मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के जाने के बाद जब पूर्व मंत्री व विधायक आशा कुमारी और कर्नल धनीराम सांडल अंदर जाने लगे तो वहां पर पुलिस कर्मियों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों की उनसे बहस हो गई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। नौबत इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ थप्पड़ बरस पड़े। बताया जा रहा है कि आशा कुमारी की महिला कांस्टेबल के साथ बहस हो गई। इस दौरान गुस्साई विधायिका ने महिला कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद जो हुआ उसे देख वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। दरअसल महिला कांस्टेबल ने भी उसी अंदाज में विधायक आशा कुमारी को थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि बीच बचाव को पहुंचे पुलिसकर्मी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों को अलग किया। गौर रहे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हिमाचल में मिली हार की समीक्षा करने के लिए शिमला के एक दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान ढलौसी विधानसभा क्षेत्र की सातवीं बार विधायक बनने वाली आशा कुमारी की शिमला में महिला पुलिसकर्मी से बहस हो गई। बताया जा रहा है कि आशा कुमारी ने महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ तक मार दिया, जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल ने वापस आशा कुमारी को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने अपने इस व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। आशा कुमारी ने कहा कि उन्होंने गेट पर कार्ड दिखाया तो महिला कांस्टेबल ने बदतमीजी की और उन्हें दो बार धक्का दिया, जिससे वह गुस्से में आ गई और ऐसा कर बैठी। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसा करने की कोई मंशा नहीं थी। मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं मुकेश अग्निहोत्री जी का पीएसओ, हम अंदर आ रहे थे। ये लेडी कांस्टेबल थी, इन्होंने धक्का दिया बहुत जोर से। धक्का मत दीजिए लोगों नीचे। फिर उन्होंने कुछ अपशब्द कहे, मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत कहिए, मैंने अपना ये कार्ड जो है था ये दिखाया। और मैंने कहा मैं विधायक हूँ, मुझे अंदर जाना है, तो मेरे साथ और महिलाएं थी, उन्होंने सबको धक्का दिया। मैंने कहा धक्का मत दीजिए। फिर उन्होंने कुछ क्या कहा, उन्होंने शट अप इडियोटिक इस तरह से वो कही जा रही थी। और फिर उन्होंने कुछ इस तरह से पुश किया, पुश तो कर ही रही थी, मारने का जिस तरह से होता है। आई एम वेरी सॉरी कि मुझे, अब मैं राजपूतों की लड़की, मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया होगा कि मैंने भी आई हिट हर बैक एंड शी हिट मी बैक, बट आई एम सॉरी, आई शुड नॉट डन इट। अगर कोई दूसरा गलत करे, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। आई शुड नॉट डन इट। ये बच्चे हैं, शायद इनको पता भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, उसे अगर गलती हुई तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप इसके लिए माफी मांगते हैं? मैं माफी नहीं मांगती हूँ, मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं, ये मेरी उम्र नहीं है कि मैं बच्चों को थप्पड़ मारूं, मगर उनका भी ये बर्ताव ठीक नहीं है कि वो लोगों को धक्के दें और गाली बके। मैं उनकी माँ से भी ज्यादा बोल रही हूँ। मैडम आप डेफिनेटली रखना चाहिए, डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, मगर हालात ऐसे थे, हालात जिस तरह के थे। सामने देखिए मैम, सामने देखिए, कोई आपको अगर अपशब्द कहे, धक्का मारे, ऑलमोस्ट मारे, तो संयम कई बार टूट जाता है। आई एम सॉरी एंड आई डोंट वांट टू कंप्लेन अबाउट एनीबॉडी, बट आई एम सॉरी कि इस तरह के इंसिडेंट हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ये कहना है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैसेज सही, ठीक है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। मामला महिला कांस्टेबल राजवंती के बयान पर आशा कुमारी के खिलाफ आईपीएस की धारा 353 और 332 के तहत दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि महिला कांस्टेबल राजवंती ढली में तैनात है और राहुल गांधी के कार्यक्रम में ड्यूटी कर रही थी। इस दौरान विधायक और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी के साथ उनकी कहासुनी होगी, जिसके बाद आशा कुमारी ने थप्पड़ जड़ दिया और जवाब में महिला पुलिस कर्मी ने भी थप्पड़ मार दिया।
हालांकि इस मामले में विधायक आशा कुमारी ने मामला दर्ज न करवाने की बात कही, लेकिन महिला कांस्टेबल ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। शिमला एसपी सोमैया ने कहा कि इसको लेकर आईपीएस की धारा 353 और 332 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब जांच की जाएगी। मुझे लगता है कि इसका जो प्रमाण है वो उसमें ओरल एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पे विजुअल एविडेंस है जो कि आपके पास भी मौजूद है, तो इस सवाल का जवाब इसी में मिल जाता है आपको। इसमें हमने एफआईआर दो धाराओं के तहत दर्ज की है थाना सदर में शिमला में, और वो है आईपीसी सेक्शन 353 और दूसरे 332। मैम क्या है मामला और किस तरह से मतलब आपने जांच किया, क्या हुआ है पूरा हादसा इसके बारे में? तो आप सभी देख ही रहे थे जी, और वैसा ही हुआ है। और इसमें जब भी कोई भी पुलिस ऑफिशियल या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन ड्यूटी होता है तो उस पर किसी भी तरह का असॉल्ट करने पर इस तरह के केस रजिस्टर किए जाते हैं, और इस स्थिति में ही में हमने ऐसा ही किया। किसने कराया दर्ज मामला? महिला कांस्टेबल ने कराया? जी हाँ, जो महिला कांस्टेबल वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थी उन पर जब ये असॉल्ट हुआ उस भीड़ में, तब उनकी कंप्लेंट पर ये एफआईआर दर्ज की गई। मैम जब ये